नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारा YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी की जो आपको हर वक्त थोड़े से सेवन करने से आपको हमेशा निरोगी बना के रखेगा और आपको हमेशा फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, इस जड़ी बूटी को अच्छे से पहचान लो, देख लो। ये गोला आकार का है, कंघी की आकार का है, इसे देखने में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन इसके फायदे के बारे में आप जानकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। इस जड़ी बूटी का नाम है अतिबाला। अतिबाला पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है दोस्तों, इसे खिरेटी भी कहा जाता है। अतिबाला एक जड़ी बूटी है, यह झाड़ीदार पौधा कई वर्ष तक हरा भरा रहता है। इसके तीन गोल और बैगनी रंग के होते हैं। इसके रोए बहुत ही मुलायम, कोमल, सफेद और मखमली होते हैं। अतिबाला को पहचान के आपको जरा आश्चर्य होगा। अतिबाला पचने में बहुत हल्की होती है, यह कड़वी होती है। तीखी चिकनी होने के साथ साथ वात पित्त को संतुलित करने वाली होती है। दोस्तों, इसके सेवन से आपकी जो यौन शक्ति है उसमें पावरफुल बनेगा और वृद्धि बनेगी। बाल, अतिबाला, नागबाला और महाबाला, इसकी जो जातियां हैं बहुत सारी, ये चारों रसवर्धक, बलकारक, रक्त विकार को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, इसके जड़ और बीज का इस्तेमाल बहुत सारे आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है। अब इसके फायदे की बात की जाए तो ये आंखों के विकारों से राहत पाने के लिए अतिबाला का जो कोमल पत्तियां होती ऊपर की, उसको काढ़ा बनाकर अगर आप सुबह शाम इसे ठंडा कर थोड़ा से सही मात्रा में आंखों से अगर आप धोएंगे तो आपकी आंखों की जो रोशनी बढ़ेगी, आंखों की कमजोरी जाएगी, जो आंखों में जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा। दांतों और मसूड़ों में जो सूजन है, दर्द से छुटकारा पाने के लिए अतिबाला के पत्तों को उबालकर उसी पानी से अगर कुल्ला करते हैं तो आपके जो मसूड़ों का ढीलापन, मसूड़ों में जो खून आना, दांतों में जो दर्द होना, वो सारे रोग ठीक हो जाते। अगर बवासीर से जो मुक्ति पाने के लिए दोस्तों, तो अतिबाला का जो बीज होता है उसे आपको कूट कर रात भर पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह 10 से 20 ग्राम पानी पीना है। ज्यादा नहीं, 10 से 20 ग्राम पानी पियेंगे तो आपको ये बवासीर जैसी खतरनाक बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, किन भाइयों बहनों को जिन्हें बार बार, या महिलाओं को पेशाब आने की प्रॉब्लम है, बार बार सूजन हो जाता है पेशाब की जगह पर, तो वहां पर अतिबाला के जड़ को काढ़ा बनाकर पीने से इसके अलावा उसको बार बार आने वाला जो पेशाब से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, डायरिया में जो अतिबाला के पत्तों को देसी घी में मिलाकर दिन में 2 बार पीने से आराम मिलता है। दोस्तों, ल्यूकेरिया जैसी बीमारी होता है उसके अंदर भी अतिबाला के जो चूर्ण होते हैं, 5 से 6 ग्राम आपको चूर्ण हनी बोलते हैं, जो शहद के साथ मिलाकर पीने से बहुत ही फायदेमंद होता है। भाइयों बहनों को बता दूं, जिन भाइयों बहनों को मिर्गी रोग है तो अतिबाला का जड़ का चूर्ण का पानी के साथ सुबह शाम लेने से फायदा होता है। दोस्तों, 1 से 2 ग्राम अतिबाला के पाउडर में शहद मिलाकर खाने से आपको गंभीर बीमारी जैसे पीलिया में भी आराम मिलता है। दोस्तों, इसमें खाने में आपको नहीं खाना नहीं हो पाता है, या आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको 1 से 2 ग्राम अतिबाला का पाउडर बनाकर सेवन करना है तो आपकी पीलिया जैसी गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, बात की जाए तो शरीर के किसी भी हिस्से में आपको दर्द हो गया हो, तो सूजन हो, तो अतिबाला का जो पत्ता है उससे एकदम पीस कर दर्द वाली जगह पे आपको सिकाई करना है, या तो उसको पत्ते को धीमी आंच पे गर्म करके उस जगह पे सिकाई करोगे तो तुरंत आपको आराम मिलेगा। भैया, एक चीज बता दूं कि पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है तो अतिबाला के पत्ते पीस कर छान कर इसमें मिश्री मिलाकर पीने से पेशाब तो एकदम खुलकर आएगा और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों, जिन भाइयों बहनों को, जिन मेरी महिलाओं को या जिन पुरुषों को दुर्बलता मतलब शक्ति नहीं है, उनको हमेशा एकदम थकान महसूस होती है, तो अतिबाला का जो जड़ होता है नीचे का, उसका पाउडर बनाकर आपको दूध से रोज सुबह सेवन करना है। ऐसे करने से आपको हफ्ते भर में या महीने भर में आपको आपका जो दुबलापन शरीर है एकदम ताकतवर बन जाएगा। दोस्तों, जिन्हें सिर पर, माथे पर फोड़े आते हैं, फूसी आते हैं, तो अतिबाला का फूल और पत्ते को आपको लेप बनाकर फोड़े वाली जगह पर लगाने से फोड़े फूसी ठीक हो जाती है। दोस्तों, पत्ते और जड़ इसके बहुत कारगर है, इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। 20 से 25 ग्राम मात्रा में सेवन करने से जो आपकी स्टोन प्रॉब्लम, जो किडनी में की दर्द, जो आपका जो पथरी की प्रॉब्लम है, वो आपके मूत्र के मार्ग से चूर चूर होकर निकल जाती है, तो पथरी के प्रॉब्लम में भी ये बहुत फायदेमंद करता है। दोस्तों, बात की जाए तो अब सावधानी की,
अतिबाला को ज्यादा सेवन नहीं करना है। अतिबाला का सेवन सीमित मात्रा में करना है, ज्यादा सेवन करने से बचना है। इसके इस्तेमाल से पहले आपके जो योग्य गुरु हैं या आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर जो भी हैं उनकी सलाह लेकर इसको उपयोग करें। तो दोस्तों, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर इसी तरीके से आयुर्वेदिक टिप से रिलेटेड वीडियो फिर नई टॉपिक पे लेके आऊंगा, फिर मिलूंगा। तब तक दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए। इस भाई को नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।